钱。六天，你这个六天还是有点多。And then all of them join. Am I visible? Okay. Hey guys. So, hello guys.
So first of all, we will display question one by one, and I give you some time. In that time, you can solve it. And after that, Akash sir will show you the solution. Okay, how you can approach and if you have not done. And you can also comment your answers so that you can clear it that whether you have done it correctly or not. And we will see our solution, of course. And we have also given the link of that PDF file in the description. But after that, after the live session will end, you can avail it and solve it properly in a better way. Okay. So. Okay. Then we can. So now five has joined, very good. That's very good. Five has joined till now, and let one or two more guys will join. Whosoever is coming, then we will start. We want the maximum participation, but still we have only six. तो देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने लगा होगा, नीचे आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको ट्राई करिए। ये आपके 17 मार्च शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया था, एक बार ट्राई करिए इसको। और इसका मैं बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आप लोग 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं। सो मिसिंग एको इज देयर, नाउ इज इट क्लियर? मास देयर Now it is clear or not? Okay, we are not giving you any more extra time, so we can start the timer. Okay, so and wait, just one wait, just give the instructions once again. तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे नीचे कहते हैं क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको आप लोग कहते हैं 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, लिमिट टेंड टू इंफिनिटी है, लिमिट टेंड टू इंफिनिटी, दैट्स गिवन लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी। ऋषभ इंग्लिश आ रहा है पूरे इस बार, वेट फॉर अ सेकंड, वी आर नाउ Now it is visible. Now question is visible clearly or not? So also on video you banaoge. Of course we will make it afterward, but not right now. अभी तो कहते हैं revision के लिए, अभी जो questions करा रहे हैं आप लोग के अप्रैल session में, आप लोग के मार्क्स इंक्रीज करने के लिए ये क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्क्स अटैम्प्ट में बहुत अच्छे अच्छे मैथ के क्वेश्चन आए हैं, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इसी को अच्छे से करेंगे तो आप लोग के मार्क्स कहते हैं इंक्रीज होंगे। तो Everyone, please write your name in the chat box so that we can know how many are present. Because everyone is not here with the real name, I think. So. Please write down your answer in the chat box so that we can. तो जैसे आप लोग का आंसर आता है आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। किसी का कुछ है? आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो कहते हैं हर बच्चा कहता है मैं प्रिपरेशन में क्वेश्चन करता ही है, जल्दी आंसर करिए। तो एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा टाइम वी विल इन्वेस्ट इन सम प्रॉब्लम्स।
last 1 minute. Last 1 minute, we are giving you to solve this problem. Write your answer in the chat box as soon as possible. Okay, someone is saying C part. Okay, C part. Yes. Just write the title of their name and I just say answer so that after that you can try it. Meghna, C part is the correct answer. So, yeah, Meghna, C is the answer. भाई कोई और भी तो कहते हैं आंसर करो यार, कोई और नहीं सॉल्व कर रहा है क्या? कोई और है मेघना के अलावा जो सॉल्व किया क्वेश्चन को? चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं. तो अपना जो क्वेश्चन दिया था वो लिमिट n tending to infinity gif of r plus gif of 2r plus gif of 3r up to plus में gif of nr upon में n square. आप देखिए जिस पे लिमिट लगी हुई है n पे लगी हुई है तो उसको एक बार आप लोगों को चेक करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में अगर उनके पावर में डिफरेंस बन गया है. देखिए यहां पे n की पावर 1 है और यहां पे 2 है तो अपना डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? और देखो जिस पे लिमिट नहीं लगी हुई जैसे यहां पे r दिया गया कभी कभार x दिया जाता है तो बस आंसर क्या लिख देना आपको r अपॉन में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसका. बिल्कुल आप एग्जाम में 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिख सकते हैं. ठीक है तो आप लोगों को समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. अच्छा तो मेघना देखिए एक और एग्जांपल इसको लेके समझाते हैं. आप gif of r 2r 3r दिया गया ठीक है और हमारा लिमिट किस पे लगा हुआ है? n पे लगा हुआ है ना. तो जिस पे लिमिट लगी होती है जिस पे लिमिट लगी यहां n पे लिमिट लगी है तो n टर्म चेक करो. n टर्म में n into r है n की पावर क्या है 1 और डिनोमिनेटर में n की पावर कितनी है 2 तो हमें क्या चेक करना पड़ता है उनके डिग्री का डिफरेंस. यहां पे डिग्री का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है. जब भी डिग्री का डिफरेंस 1 आए तो आंसर हमको कैसे लिखना है जिस पे लिमिट नहीं लगी हुई है. कभी यहां देखिए r दिया गया है तो r लिख दीजिए अपॉन में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इसका आंसर क्या लिखेंगे r अपॉन में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए. जल्द ही आपको लाइक द सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. मेघना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन पे एक और हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे. आगे समझ में तो आप देख रहे हैं इस ट्रिक से एग्जाम में आप मार 5 से 10 सेकंड में डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे. तो इससे आपको कितना टाइम बचता तो आप लोग कितनी रैंक आपकी बूस्ट हो जाती. तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं. तो सेकंड प्रॉब्लम भी आप लोग स्क्रीन पे नीचे डिस्प्ले हो रही होगी आप लोग उसको एक बार ट्राई करिए. 2 मिनट का एग्जैक्ट टाइम दे दिया और फिर 2 मिनट बाद उसको सॉल्व किया जाएगा. जो लोग भी आए भाई लाइव तो कर दो यार.
आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी लाइव चैट में लिखिए, और कोई तो रिप्लाई कर दो भाई यार। आर बैट के मानसून किसी का आंसर आया? चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं किसका आंसर सही है। और भी अगर किसी ने सॉल्व किया मेघना सी ऑप्शन, अर्जुन बी ऑप्शन, लेट अस चेक। तो रिमूव दी एज सो देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया गया था, 2 tan x plus x equal to pi by 2 और x हमारा कहां से कहां तक दिया गया था, 0 से लेके 2 पाई तक। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देख लीजिए आप, y इक्वल टू क्या करिए, जो ये x है इसको पहले इस तरफ लेके जाइए, इक्वल टू के दूसरी तरफ से क्या बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, और इसको y के इक्वल रख देते हैं, y 2 ऑफ tan x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x। अब देख रहे हैं इस पर हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, ठीक है, एक तो किसके ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक है और दूसरा क्या है अपना स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ तो भाई सबको आता होगा, अगर अभी तक नहीं आता तो फिर दिक्कत है। हम लोग ये आपका पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ठीक, तो अब देखिए यहां पे आपका ऐसे है ठीक है, ये ओरिजिन से पास करता है और दूसरा वाला आपका आया एक मिनट ठीक, और एक मिनट थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लो, और 2 पाई के लिए थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा था, हम लोग उसको बना सकते हैं करके थोड़ा सॉल्व किया जाए। ठीक है तो ये अपना पाई बाय 2 वाला हो गया, ये अपना ये हो गया, और यहां से अपना 2 पाई का हो गया ठीक है, और हमारा देख रहे हैं ये पाई बाय 2 माइनस x ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस x। तो यहां देख रहे जब y को 0 रखा तो x अपना क्या आ गया पाई बाय 2 ठीक है, तो कहां से पास करेगा ये ऐसे करके पास करेगा, तो देख रहे हम लोग कितने सॉल्यूशन आ गए, 3 सॉल्यूशन आए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, b ऑप्शन अपना करेक्ट है ठीक है ना, अर्जुन ऑनली हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड हिमांशु आल्सो हैज गिवन द करेक्ट आंसर। अगर समझ में आया है तो रिप्लाई कर दीजिए, कोई और डाउट है तो प्लीज जब भी एक मिनट। हाँ मतलब ये ट्राई हमेशा करना है कि ग्राफ से, क्योंकि इससे आपके टाइम बहुत बचत होती है ठीक है, ये तो मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, तो टाइम लगा था मुझे एग्जाम में करना होता तो मुझे एक मिनट से भी
कम टाइम लगता है, तुम टैन एक्स का तुरंत ग्राफ बनाया और स्ट्रेट लाइन को भाई बचपन से हम लोग सीख रहे हैं 9-10 से, और जितनी बार ग्राफ को कट करेगा गिवन रेंज में उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलिए तो समझ में आया ना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर सकते हैं आप लोग लाइव चैट में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेघना, हिमांशु, अर्जुन, समझ में आया सॉल्यूशन? अगर समझ में आया तो यस और नो कुछ तो रिप्लाई कर दो यार। ग्राफ के अलावा कैसे करेंगे? ग्राफ के अलावा तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा सॉल्व करना इसको, और ये तो कितना आसान इक्वेशन भी दिया गया था, इससे इजी तरीका तो मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा। ग्राफ वाले सबसे इजी है, तो आप लोग कोशिश करिए कि ग्राफ कम से कम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की तो याद रखिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम आप लोग स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले करने वाली होगी अभी, तो उसको ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, और अपना आंसर प्लीज प्लीज जरूर से जरूर रिप्लाई करिएगा लाइव चैट में ताकि लोग देख सके। हाँ तो मेरे याद है ना, तो बहुत अच्छी बात है, तो कोशिश इसी करें कि ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ से इजी मेथड और कुछ नहीं होता है, ग्राफ सबसे इजीएस्ट और टाइम आपका सेव करता है, एग्जाम में आपको टाइम भी सेव करना और मार्क्स भी गेन करने हैं। तो आप लोग सॉल्व करिए इसको, जल्दी सॉल्व कर लीजिए थोड़ा। अर्जुन 1/2, ठीक है, तो देखते हैं और लोगों को रिप्लाई करने दो, फिर हम लोग देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। ओके अर्जुन, आई गॉट योर आंसर, बट देयर इज लैग ऑफ अराउंड 10-12 सेकंड, so that's why किसी और का आंसर आया? किसी और का आंसर आया? मेघना,
हिमांशु, किसी का आंसर आया? IITN, you haven't replied. You haven't given minus 1 by 2, Himanshu. Okay, Himanshu. Meghna? So, चलिए फिर हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको. तो एक बार प्रॉब्लम में नोट कर लो. हाँ, तो प्रॉब्लम आपके क्या दिया गया था? लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो टेन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ टू पाई साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, जब थीटा जीरो रखेंगे तो ये अपना जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है. एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं और या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan of pi और cos का थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 minus sin square theta लिख सकते हैं, नहीं. ठीक, तो ये नीचे क्या हो गया, sin of 2 pi sin square theta. ठीक, और एक मिनट, limit theta tending to 0, फिर देखिए हम लोग क्या कर देंगे, ये limit theta tending to 0 है, tan of pi minus pi sin square theta divided by sin of 2 pi sin square theta. ठीक है, और लोगों को मालूम है tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan थीटा हो जाएगा. तो यहां पे लिख देंगे माइनस ऑफ tan पाई ऑफ sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin ऑफ 2 पाई sin स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो अब देखो हम लोग का लिमिट कैसे है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, और हम लोग को मालूम है कि इस तरीके की लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं. अगर हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है. ठीक, तो अब हम लोग जो थीटा दिया गया है इसको बनाना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, पाई sin स्क्वायर थीटा के डिवाइड करा दो और पाई sin स्क्वायर थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई. ठीक है, इसमें देखो यहां 2 है, बस 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, यहां का डिवाइड कर दो बस. तो अब हम लोग देख सकते हैं ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया. ठीक, तो अपना आंसर कितना आ गया, माइनस 1 बाय 2 अपना आंसर आ गया. ठीक है, समझ में आया? तो ओनली मनुष्य गिवन द करेक्ट आंसर. If you have any doubt, then you can write it down in the live chat box. If you have any query related to this problem or anything else. So, shall we proceed? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे नीचे डिस्प्ले हो रहा है, उसको ट्राई करिए. अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करिए कि 2-3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करें और इसका आंसर रिप्लाई करें सब लोग प्लीज. इसका आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं. ठीक है, इसको 3-3.5 मिनट तक हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर, लेकिन अब आपको डिफरेंशिएशन से बस बचाने के लिए बॉल मेथड लगा दिया. ठीक है, तो ट्राई भी कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल ही चीजों को रखिए. ऑप्शन 3 एल हॉस्पिटल से, ऑप्शन 3 आ रहा है एल हॉस्पिटल से.
Okay, we will check it. First of all, try this question which is displaying on your screen. You can take more time for this. One more minute for this question. After that, I will start solving this question. If you have done this, then you can write down your answer in the chat box. Let's everyone try this. After that, we will solve this question. We will show you the approach how to solve this. देखिए अपने ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं दिया गया इसमें तो सब चीजें आपको दी गई हैं लाइन बाय लाइन तो देखिए तो मैं पहले सारी डेटा लिख लेता हूं देखिए आपको क्या-क्या दे दिया गया पहले तो f ऑफ x आपको दे दिया गया ठीक है ठीक है और उसमें तीन कांस्टेंट हैं और तीन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें तीन अलग-अलग चीज की वैल्यू भी दे दी गई कैसे f ऑफ -1 की वैल्यू आपको 1 दी गई है ठीक और f डैश ऑफ -1 की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 और f डबल डैश ऑफ -1 आपको दिया गया 1/2 सॉरी f ऑफ -1 दिया गया 2 ठीक है और f डैश ऑफ -1 आपको 1 दिया गया ठीक है तो ये क्लियर है अब हम लोग देख लेते हैं f ऑफ -1 पुट करते हैं f ऑफ माइनस जैसे जैसे आपको दिया गया डेटा पुट कर दीजिए ये क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं है तो f ऑफ -1 पुट किया डेटा आपका क्या a -1 का स्क्वायर प्लस b ऑफ -1 प्लस c ठीक है ये बन गया a -b + c
और f ऑफ माइनस हमें कितना दिया था 2 इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए फिर देखिए f डैश करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाते तो f डैश ऑफ x क्या लिख देंगे 2ax plus b हो जाएगा ठीक और x पे हमें किसकी वैल्यू दी गई माइनस 1 की दी गई है तो x यहां पे माइनस 1 पुट कर देते हैं तो f डैश ऑफ माइनस 1 आपको क्या दे गया b माइनस 2a हो जाएगा ये सेकंड इक्वेशन फिर देखिए थर्ड इक्वेशन हम लोग अपना देखते हैं थर्ड इक्वेशन में क्या दिया गया है थर्ड इक्वेशन आपकी दी गई है f डबल डैश ऑफ माइनस 1 तो f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे तो देखिए दो बार डिफरेंशिएट किया इसको एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा और बस f डबल डैश ऑफ माइनस 1 1 बाय 2 दिया गया है ठीक है 1 बाय 2 दिया गया है तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई हमारी a की वैल्यू जो अपनी आ गई यहां से a की वैल्यू 1 बाय 4 आ गया ठीक अब ऐसे हम लोग f डैश वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो b और f डैश ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी गई थी 1 दी गई थी तो b माइनस 2 इक्वल टू 1 a पुट कर दो तो b माइनस 2 इनटू 1 बाय 4 इक्वल टू 1 तो ये 2 हो गया b इक्वल टू 3 बाय 2 हो गया ठीक तो a आपको मालूम पड़ गया b मालूम पड़ गया तो पहले इक्वेशन में रख देते तो c की वैल्यू आ जाएगी तो पुट कर देते ही क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू में 1 बाय 4 माइनस 3 बाय 2 प्लस 3 ठीक है तो इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 5 बाय 4 प्लस 3 आया नहीं आएगा ठीक अब इसको इक्वल टू किस तरफ ले आए तो 2 प्लस 5 बाय 4 इक्वल टू c तो ये कितना आ जाएगा 13 बाय 4 इक्वल टू c तो अब देखिए a b c हमें तीनों की वैल्यू मालूम पड़ गई है तो क्या मैं f ऑफ x नहीं लिख सकता f ऑफ x ले सकता हूं नहीं लिख सकता हूं ठीक है अगर यहां तक क्लियर है तो रिप्लाई करिए आप लोग तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं अब एक और इंफॉर्मेटिव चीज क्वेश्चन में हम लोग को क्या दी गई थी कि जो अपना x है वो हम लोग को माइनस 1 से 1 के बीच में है ठीक है तो अब a b c की वैल्यू आगे पहले तो f ऑफ x लिख लेते हैं तो अपना ये क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस में 3 बाय 2 x प्लस में 13 बाय 4 तो क्या करो एक बार 1 बाय 4 को कॉमन ले लो या फिर ऐसे ही रह लो ठीक है तो ऐसे हो गए ठीक अब इस पे आप लोग अगर इसका रफ ग्राफ बनाएंगे तो देखिए इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा वर्टेक्स आपको मालूम है माइनस b बाय 2 है कॉमन माइनस g बाय 4 है होता है तो आप लोग माइनस b बाय 2 है निकाल दीजिए और इसी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए तो हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस b बाय 2 है अपना कितना आ जाएगा माइनस का 3 बाय 2 अपॉन में 2 इनटू 1 बाय 2 ये 2 2 से 2 कैंसिल तो माइनस b बाय 2 में कितना आ गया माइनस का 3 आ गया ठीक है यही अपनी क्या होगी x कोऑर्डिनेट तो यहां पे पुट कर देंगे हम लोग तो जब f ऑफ माइनस 3 पुट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये आपका आ जाएगा 1 ठीक 1 आ जाएगा तो अब मैं आपको इसका एक रफ ग्राफ बना दूं इसका तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारा वर्टेक्स कहां पे माइनस 3 ये 1 ठीक है तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा ठीक और हम लोग को परंतु रेंज कहां कहां दिया माइनस 1 से 1 तक के बीच का दिया गया है कि माइनस 1 और 1 मान लेते हैं यहां कहीं होगा ठीक और आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है f ऑफ x लेस देन अल्फा और अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो अल्फा की मिनिमम माने कि f ऑफ x की कैसे होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए ठीक और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि माइनस 1 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हम लोग क्या जानते हैं कि आगे बढ़ते हुए वैल्यू बढ़ती जाएगी तो f ऑफ 1 पे हमारी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी
तो वहां पुट कर देते हैं तो f of 1 less than alpha t है तो f of 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 upon में 4 plus 3 by 2 plus 13 by 4 less than alpha तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारा तो क्या हो जाएगा 2 into 2 तो 13 से 19 20 तो 20 upon 4 equal to alpha आ गया तो 5 alpha क्या होना चाहिए आपके बड़ी होनी चाहिए 5 से तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई अल्फा मिनिमम की क्या आ गई 5 आ गई ठीक है अगर समझ में आया हो तो आप लोग कहते हैं रिप्लाई कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहते हैं आप लोग बता सकते हैं किसी कंबिनेशन मिस्टेक कैसे रिड्यूस करें दो सबमेंशन कंबिनेशंस तो अब देखना चाहते हैं आपसे इजी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है ना तो आप थोड़ा ध्यान सॉल्व किया करिए और आप क्या करते हैं गलतियां क्यों होती हैं कि हम लोग कई चीजें अपने दिमाग में सॉल्व करने लगते हैं तो जब आपसे ये मिस्टेक हो रही है तो आप दिमाग में सॉल्व करिए आप पूरा पेन पेपर पे उसको सॉल्व करिए और ऐसे रैंडम कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करिए ताकि आपकी गलतियां थोड़ी कम हो और ट्राई करिए कि पेन पेपर पे सॉल्व करें वरना एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हम लोग कुछ मन में सोचते हैं हां माइनस हो रहा है अच्छा हां यहां कुछ किया तो वो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो वो चीज हम लोग नहीं करनी है ठीक तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मेघना अर्जुन हिमांशु ये क्वेश्चन समझ में आया So we are moving to the next problem, which is going to be shown on your screen. You have to try for 2 minutes and tell your answer in the live chat box. Please everyone respond. So ये जो question है मेरे को पहले solve करते हैं ना थोड़ी चीजें ज़्यादा दी गई थी उसमें calculation ज़्यादा था बाकी question easy था. तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिए वी आर गिविंग यू 2 मिनट फॉर दिस आई एम स्टार्टिंग टाइमर सो दैट वन सेम सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज सर रिपीट कर दो एक बार प्लीज ओके मांशु हिमांशु आप चिंता मत करिए हम लोग इसके रिटर्न सॉल्यूशन भी आपको दे देंगे और कोई दिक्कत हो तो आप कहते जब एंड हो जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं विंस गेमर हु इज दिस विंस गेमर कैन यू राइट योर नेम इन द लाइव चैट बॉक्स
So okay, question. Arjun, yes, answer is C. Okay, Arjun. Let everyone try this. After that, we will discuss. Last 20 seconds. Himanshu, so we are starting how to solve this question. So देखिए आपको क्या दिया गया था. पहले तो f of x दिया गया था 2 minus sine of 1 by x into x, sorry, mod x, और x does not equal to 0. ठीक है, और दिया गया था 0 जब x अपना 0 दिया गया है. ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे. ठीक, पहले तो अपने आप मॉड को हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक बार x को नेगेटिव और x को पॉजिटिव लेते हैं. ठीक, तो देख लेते हैं अपना f of x को थोड़ा अच्छे से बार डिफाइन कर लेते हैं. जब x पॉजिटिव होगा तो हम लोग ये क्या बन जाएगा, x of 2 minus sine 1 by x होगा कि नहीं. ठीक, और जब x अपना 0 है तो ये 0, सॉरी एक मिनट, हम लोग इसको नेगेटिव के लिए ट्राई कर लेते हैं. नेगेटिव के लिए तो यहां प्लस को सही माइनस x कर लेते हैं, और 0 फिर x पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, x 2 minus sin of 1 by x. अब देखिए हम लोग यहां मोनोटोनिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मोनोटोनिक फंक्शन इसको कहते हैं, या तो वो पूरा इंक्रीज करता हो ठीक, और या तो स्ट्रेटली डिक्रीज, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं बीच में आके घूम रहा है फिर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए. मतलब स्ट्रेटली या तो इंक्रीज करे, और स्ट्रेटली इंक्रीज मतलब क्या, कि अगर स्टार्ट हुआ तो सीधे उठता चले जाए, कहीं घूमना होना नहीं है. अगर घूम गया तो ये नहीं कहा कि वो मोनोटोनिक फंक्शन है. ठीक, और डिक्रीजिंग में भी यही कंडीशन है. तो देखिए हम लोग इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम लोग मोनोटोनिक चेक करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो देखो x इक्वल टू 0 पे अपना क्या दिया गया कि ये 0 है. ठीक, और जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाए एक f of x पे तुम वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो कि तुम्हारा ग्राफ कैसा आएगा. अब हम लोग बेसिक वैल्यूज क्या होती है, एक तो हम लोग x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, दूसरा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे चेक करते हैं. ठीक, तो चेक करते हैं हम लोग जब अपना लिमिट हम लोग x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी रखेंगे, f of x पे अप्लाई करेंगे, तो देखिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, x नेगेटिव वाला फंक्शन लेंगे. ठीक, तो ये माइनस x इनटू में 2 sin ऑफ 1 by x. अब जब लिमिट यहां पे माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक, तो sin ऑफ 0 कितना होगा, 0, और माइनस 2 इनटू इंफिनिटी तो माइनस इंफिनिटी हो गया, माइनस इंफिनिटी इनटू में 2. ठीक है, तो ये अपना क्या आ जाएगा, और ये माइनस इंफिनिटी ये 2 इंफिनिटी है, मतलब इंफिनिटी आ गया. ठीक, इंफिनिटी आ गया, यहां से समझ में आया, वो प्लेन
और इस क्वेश्चन को भी मैं इस मेथड से कर रहा हूं, फिर एक और चीज आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बताओ आपको याद कैसे रखना है, इस क्वेश्चन को चेक कैसे करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फंक्शन चैप्टर में वो इक्वेशन निकाल लिया, अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको मालूम होगा कि यहां पे और भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखो ऊपर का इरेज कर देते हैं। तो देखिए जब s माइनस इंफिनिटी था तो इंफिनिटी हो गया, अब लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देते हैं, f(x) पे लगाते हैं, ठीक। तो अपना क्या बन जाएगा, यहां देखो ये क्या बनेगा, लिमिट लगा दो डायरेक्ट, तो अपना फंक्शन को कौन देंगे x of 2 minus sin of 1 by s लेंगे। अब देखो जब इस पे लिमिट इंफिनिटी बच जाएगी तो यहां इंफिनिटी पुट करो, तो ये इंफिनिटी into 2 minus 0 तो 2 इंफिनिटी हो गया, बोले तो भाई इंफिनिटी। अब हम लोग फिर से एक बार रफ ग्राफ बनाएंगे, रफ ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो हम लोग को 0 पे वैल्यू मालूम है, माइनस इंफिनिटी पे मालूम है और इंफिनिटी पे मालूम है, ठीक है। तो देखो 0 पे कैसा फंक्शन है, 0 फिर जब x अपना इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो हमारी वैल्यू क्या है इंफिनिटी, तो मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक। हम लोग एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। फिर देखो अपना जब हम माइनस इंफिनिटी पे जाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, तो भी इंफिनिटी आती है, तो ये कुछ ऐसे होगा। अब हमने पैराबोला नहीं बनाया, ये तो मैंने रफ एक समझाने के लिए बनाया है, आप इसको देख रहे हैं कि 0 से इंफिनिटी है, यहां इंक्रीज हुआ, पर लेकिन हम लोग एक ग्राफ देख लो, यहां से पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो इससे हम लोग मालूम पड़ जाता है भाई अपना ये मोनोटोनिक तो होगा ही नहीं। मोनोटोनिक मतलब क्या है, या तो सिर्फ इंक्रीजिंग हो या तो सिर्फ डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है, तो अपना कैसा फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक, ठीक है। और एक चीज हम लोग आपको सिखाना चाहते हैं कि इसको और कैसे देख सकते थे, जब हम लोग याद करो फंक्शन के क्वेश्चन में आपको सॉल्व किए होंगे कुछ इस तरीके की दे दिया जाता था, x into में f of 1 upon x equal to में तब f of x ऐसे करके कुछ दे दिया जाता था, ठीक है, और भी कुछ आपको वैल्यू दी जाती थी। तो हम लोग इसमें फंक्शन f of x को कैसे निकालते थे, एक बार x को 1 upon x पुट कर देते थे, ठीक, तो वहां से अपना सॉल्व कर देते, तो ऐसे ही इसमें भी देखा हमारा उसी तरीके का फंक्शन तो बन रहा है, x into में ये देख रहे sin of 1 upon x, और हमको मालूम है कि x sin जो होता है 0 के करीबन बहुत छोटा होता है, तो अपना इसी टाइप का फंक्शन बन जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे वैल्यू एक बार 2 रखो, उसका फिर रेसिप्रोकल रखो, 1 upon 2 रखो, ये चेक कर दो, या फिर आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार pi by 2 रखो और एक बार 2 upon pi रखो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, पर वो भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखो एक बार f of pi by 2 चेक करते हैं, तो f of pi by 2 फिर कैसा आता बन गया, ये pi by 2 हो गया माइनस ये हो गया 2 माइनस sin of 1 upon में pi by 2, ठीक है, तो ये 2 upon pi आ गया। अब एक बार पुट कर दो 2 upon में pi, तो अपना ही क्या आ जाएगा 2 upon में pi और 2 माइनस में sin of pi by 2, तो अपना जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि फंक्शन अपना क्या होगा, मोनोटोनिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। आप रेसिप्रोकल वैल्यूज भी रख के इस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग लाइव चैट में। समझ में आया क्या क्वेश्चन, समझ में आया क्या क्वेश्चन, अर्जुन हिमांशु ऑप्शन डी है, हाँ अर्जुन ऑप्शन डी है, नॉन मोनोटोनिक होगा, और सबसे आसान लोग यही बता रहे हैं, आप माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी और जीरो पे चेक किया करिए, जीरो में तो अपनी वैल्यू दी गई थी, ठीक है, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी निकाल दिए, और हम लोग जानते हैं एक ही जैसे दो डिफरेंट एक्स के लिए एक ही वाई आए,
तो वो ग्राम अपना घूम के गया होगा ठीक है कहीं तो टर्न लिया होगा ठीक तो अपना इस समय क्या मालूम पड़ जाता है कि फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा ठीक है ना क्या समझ आ गया ओके अच्छा तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं और अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है ठीक है या फिर हम लोग अपने डाउट को रखे हैं तो हम लोग क्लास के एंड में व्हाट्सएप ग्रुप पे वो क्या हम लोग सेंड कर सकता है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग स्क्रीन पे है इसको ट्राई करिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार एक मिनट के अंदर सबका सॉल्व हो जाना चाहिए यार तो तो देखने देखना जो आपका क्वेश्चन है उसी के लिए हमने आपको मेथड टू बताया तो इसमें क्या करना होता है अगर आपने कोई वैल्यू रखी है यहाँ पे टू मान लेते तो हम लोग उसका वैसे टोकन रखेंगे तो हमने आपको फंक्शन अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उससे हमने आपको समझाया कि अगर इस तरीके का इक्वेशन दिया जाता था और इसमें आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ता तो आप क्या करती थी बस सिंपल एक बार एक्स यहाँ पे वन अपॉन एक्स पुट करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते थे तो हमारा फंक्शन आ जाता था ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ पुट कर सकते हैं कोई जनरल वैल्यू पी पर लेकिन दूसरा क्या पुट करें उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू पुट करें तब हम लोगों को वो सेम मिलेगा ऐसे आप देख सकते हैं और उसका आइडिया हमें कहां से मिला कि उसकी रेसिप्रोकल यहां से इसमें जब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जिस तरह से सॉल्व करते थे तो ये वो वाला जो अभी क्वेश्चन था वो भी इस तरीके इस टाइप का ही था तो उसका आइडिया हमें यहां से आया ठीक है और कोई डाउट नहीं मेघना क्वेश्चन में सही किया गया x माइनस एक्स क्यूब पर आंसर आ जाएगा आपका अर्जुन वेट कर लीजिए और भी लोग थोड़ा आंसर रिप्लाई कर दे तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको ठीक है
तो ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और किसी का आंसर नहीं है? हिमांशु, तो देखते हैं हम पहले तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, cos इनवर्स x माइनस गिव ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, और यहां फिर क्या दिया गया, sin इनवर्स x माइनस गिव ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस x क्यूब, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिमिट कैसा दिया गया है, 0 प्लस मतलब कि 0 के आगे वाला, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू, इसको h टेंडिंग टू 0 करो, अब देखो क्या करना है, बस cos इनवर्स x के जहां पे 0 प्लस h कर दो और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 प्लस h का स्क्वायर, फिर ये क्या है sin इनवर्स और उसको 0 प्लस h, 0 प्लस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पे कितने का होंगे कॉमन, तो ये अपना क्या बन जाएगा h माइनस h क्यूब, तो ये h 1 माइनस h स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 0 प्लस h, जो h होता अपना वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, 0 से थोड़ी बड़ी, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या वैल्यू आता है, 0 आता है ना, तो ये चीज 0 हो गई और ये चीज आपकी 0 हो गई, तो आपके लिए क्या बन गया cos इनवर्स h into में sin इनवर्स h upon में h into 1 minus h square और यहां लिमिट h tending to 0, ठीक है। अब ये चीज देख लीजिए, ये आपका क्या बन गया sin इनवर्स h by x लिमिट x tending to 0 1 होता है, तो ये चीज 1 बन गई और यहां पे लिमिट पुट कर दिए 0 और यहां पे 0, तो ये आपकी क्या बन जाएगी cos of इनवर्स 0 upon में 1, और cos इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है pi by 2 की, तो अपना आंसर क्या आ गया pi by 2 आ गया, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज लाइव चैट में हम लोग से पूछ सकते हैं, अर्जुन और मेघना देखिए, तो आप हम लोग का कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन था इसको, तो आप लोग भाई बीएसयू में गलत करना ही नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद कर लीजिए इसको, ये जेई मेंस बहुत पूछता है, बस यहां पे 0 प्लस h 0 से थोड़ा सा आगे, मतलब क्या 0 और 1 के बीच में, और 0 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता अपना 0, तो ये 0 ये 0 खत्म हो गया भाई, कितना आसान क्वेश्चन हो गया, इससे आसान क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता था, ठीक है। तो यही मिस्टेक तो आपको नहीं करनी है अर्जुन, यही सब मिस्टेक नहीं करनी है यार, एग्जाम में इसी सब से मार्क्स बहुत गिर जाते हैं, आप लोग अटेम्प्ट तो 50 55 क्वेश्चन करके आते हैं, फिर बाद में जब आंसर की मैच होता है तो 30 35 सवाल सही हो पाते हैं, तो यही चीज नहीं करना है आप लोगों को, वेयर थ्री पर बैठो, भाई सर 3 पाई बाय 2 बोलते हैं हम लोग को, 0 से थोड़ा आसी पास में देखना, ठीक है, हम लोग बिल्कुल बाहर जाने, ठीक, तो इसी करीब में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिखेंगे, ठीक है।
चलो तो अभी फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, ये सब मार्क्स सेकंडरी के सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आ जाने चाहिए. बिल्कुल हम तो कह रहे हैं याद होने चाहिए कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि जेई मेंस में बार-बार रिपीटेड फिर यही क्वेश्चन बार-बार आता है, बार-बार क्वेश्चन यही आते हैं. ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे. और कोई टाइप बने में जा सकते क्या आप? प्रीवियस ईयर एडवांस के कुछ क्वेश्चन दे देंगे और टाइप तो यही रहेगा. तो आप लोग को ये सब सीखना है कि कैसे करना है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये सब तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. ये तो बहुत पूछता है. तो ये जो cos 3 pi by 2 जो आप बोल रहे हैं वो भी जीरो तो मानते हैं, पर लेकिन हम लोग को देखो x पे या तो क्वेश्चन में कुछ दिया जाएगा और अपना ये वैसे भी सिंगल करेक्ट है और हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी चेक करेंगे. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अपना खेल चलता है क्योंकि हम लोग देखते हैं उसी में पॉजिटिव नेगेटिव ना आ जाता है तो हम लोग ज्यादा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती. ज्यादातर चांसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर निकल जाता है. वैसे भी ये कोई मल्टीपल करेक्ट है नहीं कि आप पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 में कट कर देंगे. ठीक है, ज्यादातर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं और वैसे ये मेमोरी बेस्ड है, मेन एनटी से तो लिया नहीं गया है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस अलग भी दिए होंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. और मेघना आपका जो एल हॉस्पिटल तो पहले तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को तो सॉल्व करना पड़ेगा और जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व कर ले रहे हैं तब तो देख रहे हैं कितना आसान हो जा रहा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करिए. जिसका आंसर आ जाए इधर मैसेज कर सकता है कौन सा आंसर क्या आया है. सर
तो चलिए फिर 11 क्वेश्चन में हम देखते हैं। इस पे आपको f ऑफ 0 की वैल्यू क्या देंगे, 1 बाय k, ठीक है। तो हम लोग f ऑफ 0 को निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर लो f ऑफ x, और आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cos ऑफ sin x, इवन टू क्वेश्चन में लिखो cos ऑफ sin x माइनस में cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x इनटू में sin ऑफ x इक्वल टू 2, सॉरी 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 क्या दिया गया है, cos ऑफ x माइनस x टू द पावर 4, ठीक है। इस कंटीन्यूअस ओवर डोमेन, तो कंटीन्यूअस बोथ इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या दे दी गई है, 1 अपॉन k। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है। तो देखिए पहली बात तो यहां सिंपल भाई यार, सब सब प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल लिमिट की आई है। इसमें हम लोग क्या करना है, पहले तो देखिए cos c minus cos d, तो हम लोग क्या लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 को पहले तो cos c minus cos d फॉलो आता है, तो अगर याद है तो ये मत है cos c minus cos of d, जिसका क्या होता है 2 sin of c plus d by 2 और sin of d minus c by 2, ठीक। तो यहां पे पुट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया, और cos of sin x plus x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और हम लोग क्या करें यहां पे, फिर sin of x minus sin of x by 2 हो गया, और ये 2 यहां पे लिखे रहेंगे, और अपना ये क्या बन गया, x टू द पावर 4, ठीक। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin वाला चीज दिया गया, साइन के अंदर वाली चीज, ठीक है। हम लोग क्या अपना 0, तो अपने नीचे भी क्या लाना पड़ेगा, इसी टाइप का थीटा लाना पड़ेगा, ताकि ये हमारा sin x / x टाइप का बन जाए, और वो क्या होता है 1। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे, और इस पे हम लोग 0, सॉरी ये भी sin है, सॉरी ये भी sin है, और यहां पे भी पुट करेंगे तो 0। तो अब हम लोग क्या करना होगा, देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 sin of sin x plus x by 2, ठीक है, डिवाइडेड ऑफ sin of x plus x by 2 इनटू में x plus sin of x by 2, ठीक, ये हो गया। और अपना फिर क्या आ गया यहां पे, sin of x minus sin of x by 2, ठीक है। अब इसको भी हमें सॉल्व करने के क्या करना पड़ेगा, यहां पे x minus sin of x by 2 को मल्टीप्लाई है x minus sin of x अपॉन में 2, ठीक। अब ये होल में x by 4 है, तो x by 4 को क्या करो, x क्यूब करो और यहां पे x डाल दो, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये पहले 2 से 2 अपना डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और फिर हम लोग लिमिट लगा देंगे, ये चीज अपनी बंद हो गई और ये वाली चीज भी बंद हो गई, है कि नहीं। अब फिर बचा क्या अपना, x plus sin x अपॉन में x, इस पे एक बार लिमिट लगा दो, x से x कैंसिल हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर स्पेस पर क्रिएट कर लेते हैं, यहां पे ऊपर से थोड़ा मिटा लेते हैं, ये हो गया। तो ये अपना 1 आ गया, ये 1 आ गया, इनको हटा देते हैं, तो ये अपना क्या गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये बन जाएगा 1 plus sin of x by x into में x minus sin of x upon में 2x cube, ये हो गया कि नहीं हो गया। बस अब इसकी क्या वैल्यू आ गई, 1 plus 1 2 आ गया, तो 1 plus 1 तो ये हो गया 2, और हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, ये हो गया x minus sin of x upon में 2x cube। तो इसी से कैसा हो गया, अब हम लोग भाई साहब इस पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, 0 बाय 0 को हम l हॉस्पिटल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, l हॉस्पिटल, तो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ cos x अपॉन में 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रहने दो, ठीक।
ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, वहां फिर से एक बार 0 बाय 0 कॉमन है, फिर एक बार फिर से चेक करो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये माइनस ऑफ इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस cos x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का sin x डिवाइडेड बाय sin ऑफ x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ही है, फिर देखते हैं sin थीटा बाय थीटा ये क्या है 1 बाय 6 आ गया, तो k की वैल्यू अपनी क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो देख रहे हैं ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है यार, आप लोग अभी तक बताइए रिप्लाई नहीं किए आंसर इसका, आप लोग अभी तक रिप्लाई, हां अर्जुन वेरी गुड 6 आया भाई, बिल्कुल सही एकदम। और अगर किसी कोई और डाउट हो अर्जुन हिमांशु मेघना रोहित सिंह पटेल देखिए अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपकी। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग फिर WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन वहां पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, ये आपके कहते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। मेघना एक्सपेंशन से कर तो लेते हैं, पर लेकिन बात ये है ना मेघना कि हम लोग को याद होना बहुत जरूरी है एक्सपेंशन, और उस पे भी देख रहे हैं आपके साइन ऑफ थीटा सिंपल थीटा नहीं दिया गया, उसके अंदर भी इतनी भयंकर एक्सप्रेशन दी गई है, हम लोग पहले को एक्सपेंशन कैसे लगाते हैं उसको डिफरेंशिएट करने में अपना 10 मिनट चला जाता है, तो इसी वजह से जितना हो सके उतने सिंपल मेथड से कहते हैं सॉल्व करिए। और अर्जुन आंसर को वेरी गुड, वेरी गुड अर्जुन, आइडेंटिफिकेशन जी में मार्क शिफ्ट वन, वेरी गुड अर्जुन यार डन। तो मेघना आप कोशिश करिए अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो एक्सप्रेशन भी इजी क्वेश्चन में लगाइए, ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ जाएंगे एक्सप्रेशन वाले लगाने, ठीक है, तो चलिए यार प्रॉब्लम सॉल्व करिए और आंसर में जल्दी से जल्दी बताइए।
तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसमें पीडीएफ लिंक आ गई है, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन तो हल नहीं कर पाएंगे, जितने अभी हो पा रहे हैं 10 10 सवाल रहेंगे, बचे हुए 2-3 सवाल आपको अपने से ट्राई करिएगा, और कुछ भी अगर उसमें डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b ऑफ cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन में x इनटू sin x, इसको क्या दिया है, 2 की पावर है। सबसे पहले तो क्या करना है, अपने आपको लिमिट 0 रखो, नीचे 0 बन रहा है, ठीक। ऊपर भी अपना क्या बनना चाहिए, 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ठीक है। तब 0 है, 0 वहां बनेगा, ठीक। तो अब देखो, जब 0 हम लोग रखेंगे तो ऊपर हम लोग को 0 बनाने का क्या, ये हो जाएगा a e टू द पावर 0 माइनस b cos ऑफ 0 प्लस c e टू द पावर माइनस 0, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, a माइनस b प्लस c, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहां से आ गया a प्लस c इक्वल टू b, ठीक है। तो यहां की क्या होगी, पहली इक्वेशन, इसको याद रखिएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b ऑफ cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x x इनटू sin x, ठीक है। जो नीचे डिफरेंशिएशन दिया गया है, इसको हम लोग एल हॉस्पिटल से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक्सपेंशन जिसको याद है वो तो भाई अपना कर ही सकता है, ठीक। अगर हम एक्सपेंशन नहीं याद है तो क्या हम लोग दिमाग लगाएं, देखो क्या कर सकते हैं, नीचे जो डिफरेंशिएशन दिया गया है इसको करेंगे हम लोग, तो ये रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन होता जाएगा, ठीक। तो क्या करना है, रिपीटेटिव किसकी वजह से आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से। तो क्या करें, इस पे लिमिट लगा के सॉल्व कर देते, यहां पे x डिवाइड करो, यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा, और ये लिमिट हमारा इस पे लगेगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट sin x / x एंड और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज बन हो गई, ये अपनी चली गई। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x माइनस b ऑफ cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x अपॉन में x स्क्वायर। अब क्या करो, अब इस पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, अब अपना आसानी से एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, ठीक। तो देख रहे हैं कि हम आपको दूसरा मेथड बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक्सपेंशन तो आप कर ही सकते हो, ये आपको हर जगह ऐसा एक्सपेंशन वाला सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये क्या है, ये मैं करता, अगर मैं एग्जाम देता तो मैं किस तरीके से करता अपना, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसको डिफरेंशिएट करेगा तो a e टू द पावर x हो गया, और ये माइनस b ऑफ माइनस cos x का माइनस sin x होता है, प्लस ऑफ sin x हो गया, प्लस में सॉरी माइनस c e टू द पावर माइनस x अपॉन में 2x। फिर जब अपना नीचे 0 बनेगा तो एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, तो ये अपना क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e टू द पावर x प्लस b cos x फिर प्लस में c e टू द पावर माइनस x अपॉन में 2, और ये किसके इक्वल दिया गया, 2 के इक्वल दिया गया है, याद रखिएगा 2 के इक्वल दिया गया है, 2 के इक्वल दिया गया है। अब लिमिट देखो, हम लोग 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो a प्लस b प्लस c में क्या आ रही है, 4 आ रही है कि नहीं, है कि नहीं, a प्लस b प्लस c बाय a प्लस b प्लस c में क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में।
तो ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी आपके ऊपर इसके लिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जा रहा है आप लोग इसको 3 से 4 मिनट के अंदर ही सॉल्व करिए अच्छा प्रॉब्लम है इसको ट्राई करिए और ये आप लोगों का लास्ट प्रॉब्लम होगा और लास्ट ऑफ द प्रॉब्लम पीडीएफ आपके लिंक पे दिया गया है वो आप ट्राई कर लीजिएगा और कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको उस ग्रुप में बता दूंगा ठीक है ओ सॉरी अपर लिमिट x स्क्वायर है 0 से x स्क्वायर 0 से x स्क्वायर है ठीक है 0 से x स्क्वायर और 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 15t प्लस 10 ऑफ dt ठीक है इसको सॉल्व करिए तो आप लोगों का सॉल्व हुआ नहीं हम लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके ऋषभ हम लोग यहां पे 5 अटेम्प्ट डिफरेंशियल कैलकुलस के
क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप लोगों के अप्रैल अटेम्प्ट के तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें काफी अच्छा अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो उससे आप लोग कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाए और कैसे करना होता है। तो चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन अपना। एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है वो दिया गया 0 टू एक्स स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10। आई थिंक इट इज गिवन 10, वेट फॉर सेकंड, चेकिंग आउट क्वेश्चन। या 10 dt फिर हमसे क्या बोल रहा है कि नॉर्मल ऑफ अबव कर्व। ठीक है, इस पे नॉर्मल डालते हैं किस पॉइंट पे, a कॉमा b पे। तो जो नॉर्मल की स्लोप है वो मतलब जो नॉर्मल है वो किसके पैरेलल है, 3y plus x equal to 5 के पैरेलल है। ठीक, 3y plus x equal to 5 के पैरेलल है। और हमसे क्या पूछ रहा है, mod of a plus 6b की वैल्यू पूछ रहा है। और हमने एक और डेटा दिया है कि a जो अपना वो 1 से बड़ा है, a जो अपना हो गया 1 से बड़ा है। ठीक, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो देखिए नॉर्मल हो रहा है, तो नॉर्मल के लिए और इसके पैरेलल बोल रहा है, तो हम लोग को पूरा खेल इसमें खेलना है, स्लोप पे खेलना है। ये हमें कहां से हिंट मिलेगा, जब बोल दिया गया कि जो नॉर्मल है अपना पैरेलल है इस लाइन के, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं y को mx + c फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 3y = minus x plus 5, तो y क्या आ जाएगा minus 1 by 3 x plus 5, तो n यहां से क्या आ गया minus 1 by 3 आ गया। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इस पे स्लोप निकाल लेते हैं, इस कर्व पे स्लोप निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, f dash of x, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 of यहां पे पुट कर देते हैं, तो x square minus of 15 x square plus में 10। ठीक, तो हम लोग ने पुट किया कि अब अपना ये f dash x बोल रहा है, तो अपना ये किस पे है, a कॉमा b पे है, तो यहां पुट कर दो, तो f dash of a क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 of a to the power 4 minus of 15 a square plus में 10। ठीक है, ये वो नेवर। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या है, स्लोप है टेंजेंट की, पर लेकिन नॉर्मल की तो उसको क्या करते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 a to the power 4 plus 15 a square plus 10 कर सकते हैं। और इसी नॉर्मल स्लोप को किसके इक्वल करना है, माइनस ऑफ 1 by 3 के, माइनस ऑफ 1 by 3 के, क्योंकि क्या दिया है इसके पैरेलल है, तो हम लोग मान लो कि स्लोप क्या होते हैं इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 a to the power 4 plus 15 a square plus 10 equal to minus 1 by 3 minus 10 रहा होगा। ठीक है, अब ये cross multiply करेंगे, 2 a to the power 4 plus में 15 a square और यहां से देखिए तो अपना कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग सॉल्व कर दें इसको, सॉरी ये सॉरी यहां पे 10 और यहां पे भी 3 रह जाते हैं, फिर इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो 2 a to the power 4 प्लस 15 a स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना 7 इक्वल टू 0। अब सिंपल ये देख हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नहीं बट इस पावर 4 मतलब y क्वाड्रेटिक टाइप में। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर को हम लोग t लेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 t स्क्वायर प्लस में 15 t प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं हम लोग को क्या आ जाएगा, t इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 225 और ये माइनस 4 इनटू 2 इनटू 7 अपॉन में 4। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 225 माइनस से ये 856 डिवाइड बाय 4। तो यहां सॉल्व कर लीजिए अपना आंसर क्या आएगा, 225 को हम लोग माइनस 56 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 a
49 ठीक है तो ये अपना क्या आएगा 149 आएगा ठीक है देख लेते हैं अगर कहीं मिस्टेक नहीं है पहले तो प्रभाव पे चलिए क्वेश्चन चेक कर लें वाई ऑफ यूनिवर्स का ठीक है और टी वाई ऑफ एक्स नॉर्मल अबव कर्व 2 ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर नहीं जाएगी अगर एक्स स्क्वायर भी होगा एक बार हम क्वेश्चन चेक करते हैं आपने लिमिट दिया नहीं है जो ये क्वेश्चन में चेक करो ठीक है तो ये अपना सही है इसको क्या लिख देते 2b स्क्वायर प्लस 14 t प्लस t प्लस 7 इक्वल टू 0 तो यहां से 2b कॉमन है तो अपना क्या आ जाएगा t प्लस 7 और प्लस 1 t प्लस 7 इक्वल टू 0 ठीक है और एक बात ये भी है कि यहां पे ये x स्क्वायर में ही दिया गया है ये 0 टू x ही है ये 0 टू x है ये बात ध्यान देना चाहिए 0 टू x दिया गया है अपने प्रॉब्लम में ठीक है तो अब सब बाद में तो अपने सॉल्व करेंगे यहां 0 करेंगे तो 2t प्लस 1 इनटू में t प्लस 7 इक्वल टू 0 माइनस 15 x स्क्वायर माइनस 15 x स्क्वायर अच्छा अभी इसके बोल के दैट ये मेक करेंगे और ये x ना यहाँ पे ये 0 टू x है तो यहाँ पे ये x आ जाएगा से माइनस 15x ठीक है तो अपने आप को और सॉरी a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 15 है ठीक तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और ये माइनस 1 बाय 3 इक्वल हो गया ठीक तो 3 इक्वल टू में 2 a स्क्वायर 15 a प्लस 10 हो गया यहाँ से लोग a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एक मिनट चेक करेंगे अपन स्टेप में क्वेश्चन है और एक यहां पे बोलो 2 ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 7 इक्वल टू 0 ठीक है अब यहां पे कुछ सॉल्व करो 2 ए स्क्वायर प्लस 14 ए प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू 0 तो ये टू में कॉमन है यहां से ए प्लस 7 और प्लस ए प्लस 7 इक्वल टू 0 यहां पे हमारा जो ये यहां पे जो मान क्या आ गया a तो निकाल लेगा 2a plus 1 और a plus 7 देखो यहां से हम देख पाएंगे कि a जो अपना आ रहा है वो नेगेटिव आ जाएगा परंतु a को कहते हैं 1 से बड़ा होता गया है a को 1 से बड़ा होता गया है f dash x plus 50a नहीं है प्लस 50 है ओ सॉरी यहां पे यार ये माइनस यहां माइनस है यहां माइनस है तभी मैं सोच रहा गड़बड़ क्यों हो रहा हां हां ओके अर्जुन वेरी गुड हां ये थोड़ा यहां पे निकल 2a स्क्वायर माइनस 50a यहां पे माइनस आएगा हमने ये प्लस दिया ये माइनस आएगा लेकिन क्वेश्चन में माइनस दिया गया है ना तो ये माइनस 50 में प्लस 10 इक्वल टू 0 अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 14 है माइनस 8 प्लस 10 इक्वल टू 0 ठीक है यहां से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अपना आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया
a minus is 7 minus of a b 7 with a minus 7 equal to 0. So 2a minus 1 into a minus 7 equal to 0. So a equal to 1 by 2 or 7 पर नीचे के लोगों को a क्या दिया गया है 1 से बड़ा होना चाहिए तो कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे a equal to 7 एक्सेप्ट करेंगे a equal to 7 ठीक है और अपना अब हमें क्या करना पड़ेगा और हमसे a plus 6b की वैल्यू पूछ रहा था ठीक है a plus 6b की क्या करना पड़ेगा जो ये हम लोगों ने f of x बनाया था यहां पे 2x square minus 15x plus 10 इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग कर लेते हैं इधर देखिए सर अरे चलिए तो आगे क्या पर सॉल्व करते हैं यस यस आई गॉट इट a इक्वल टू 7 और f ऑफ x जो हमने आया था वो तब है 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 ये f डैश x आ गया था अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर लो ठीक है तो ये सॉरी f डैश x को इंटीग्रेट कर दिया dx के रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा 2x क्यूब बाय q माइनस 15x स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x हो जाए ठीक है तो ये f ऑफ x अपना बन जाएगा dx तो 2x क्यूब बाय 3 माइनस में 15x स्क्वायर बाय 2 प्लस 10x ठीक है और आप लोगों को क्या दिया गया है कि हम लोगों को यहां पे दिया गया था f ऑफ a पुट करने पे ये b दे देगा क्योंकि हम लोगों का a कॉमा b पे नॉर्मल था ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे x यहां पे a पुट करो तो a की वैल्यू कितनी आई थी 7 आई थी तो वही अपने b के इक्वल आ जाएगी b इक्वल टू क्या गया 2 * में 7 के क्यूब का बाय 3 हो गया माइनस का 15 * 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 10 * 7 ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके b की वैल्यू आ जाएगी ठीक है और फिर आपको हम लोग सीधे a minus 6b कैलकुलेट कर देना होगा ठीक है a minus 6b करना होगा ठीक है समझ आ गया ओके अर्जुन समझ आ गया So with this we are okay now we need to what is concurrent vigorous okay no problem so इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं ठीक है आई होप आप लोग को समझ आया होगा सीखने को मिला होगा मैं वैसे फिजिक्स का भी करना चाह रहा था बट I can see the participation is not so good, so I think I will upload the video in the live session. You are not so interested, isn't it? Okay, that too. On aap log just write down your name so that we can get an idea that who is interested in their live sessions and who is not. Yes, Arjun. And who is the second one? Okay, that one left. Oh, okay. So, no problem. Okay. So, that was very good. Okay. And Arjun, you have, I like it that you was throughout the session you were there and tried to solve the questions. In this only we can enhance our this solving part and enhance our thinking part. Okay. Someone is there to tell you that how you should think now, and then only it will be helpful for you. Okay, so I hope you like the session. So, आप मतलब अपनी तरफ से इतना कर सकते हैं at least कि अपने friends को हमारे channel के बारे में बताएं. ठीक है, follow up the
उनको बताया था कि हमारी सेमिंग बहुत थोड़ा अच्छे से हो और अच्छे से हो ठीक है सो पहले आई नो यू आर ओनली हियर ओके नो प्रॉब्लम ओके गाइस नॉट गाइस ठीक है तो इसी के समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत अर्जुन भाई बहुत बढ़िया बने रहे पूरे सेशन के साथ और जो भी क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ उसको ट्राई करना वो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का तो उसको ट्राई करना ठीक है और जो नहीं आया तो उसके अप्रोच बताएं कि कैसे आज के अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो अच्छी बात है हमने तो एक बार और आप अगर ट्राई कर सकते हैं ठीक है ओके इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सेकंड पार्ट भी था मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस था हमारे पास तो वैसे तो एक सोच रहे थे कि दूसरे कर देंगे बट इट नॉट पॉसिबल नाउ तो आई थिंक वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ओके दैट विल नॉट बी अ लाइव सेशन as your response is not so good I mean overall response you responded very good and that Meghma and Arjun and Himanshu initially had responded but most of you have not responded okay so and this was a little bit of disappointment for us but still it's okay okay we will make videos and they will upload that PDF okay group we will send it you all try to solve that So guys, okay, we are ending with the session.